आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है सोशल सर्विस देना, मतलब प्रॉफिट कमाना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे हमारी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है प्रॉफिट कमाना, मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। चाहे इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन फीस, डोनेशन, ग्रांट्स। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी देती हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो जब इनकी सोर्स ऑफ इनकम मतलब इनका जो रेवेन्यू का नेचर है वो अलग है, तो इसलिए इनके जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। इनके फाइनल अकाउंट्स क्या बनते हैं हमारे पास? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल एज इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होते हैं। बैलेंस शीट भी बिल्कुल जो हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट बन रही है जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स आती है बिल्कुल वैसी ही होती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट ये एक एडिशनल इसका फाइनल अकाउंट है। ये बिल्कुल कैसे होता है? कैश बुक की तरह, मतलब कैश बुक के अंदर जितनी भी समरी आती है ना हमारे डेबिट बैलेंसेस की और क्रेडिट बैलेंसेस की जो कैश और बैंक से रिलेट करते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट में आते हैं। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले स्टार्ट होता है लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से, मतलब इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना वो ज़ीरो नहीं होगा, वो लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस बचा होगा उससे स्टार्ट होगा। फिर उसके अंदर हम कुछ डेबिट मतलब जितना कैश हमारे बिजनेस में आ रहा होगा उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जितना कैश हमारे बिजनेस से जा रहा होगा हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो हमारा एंड और क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो नेक्स्ट ईयर का अब ओपनिंग बैलेंस होगा, मतलब नेक्स्ट पीरियड का वो अब ओपनिंग बैलेंस होगा। अच्छा, जितने भी नॉन कैश आइटम होते हैं मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह ये सारे के सारे आइटम इसके अंदर इग्नोर होते हैं, मतलब इसके अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करते। इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी जितने आइटम होते हैं जो कैश पे बेस नहीं करते मतलब कैश से रिलेट नहीं होते वो सारे के सारे आइटम इसके अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसमें सिर्फ हम वो रिकॉर्ड करते हैं जो कैश पे बेस करते हैं, मतलब जितने पैसे हमारे बिजनेस में आ रहे होते हैं और जितने पैसों की हम पेमेंट कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्डिंग इसके अंदर होती है। सेकंड हमारा जो अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट, ये अकाउंट तो बिल्कुल सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम काम करते हैं कि करंट पीरियड का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच करना, वही हम इसके अंदर भी काम करते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब रेवेन्यू हम एक्सपेंसेस के साथ मैच करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आता है। इसके अंदर जो रिज़ल्ट आता है वो सरप्लस या डेफिसिट के नाम से आता है। जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं वो सब भी अब रिकॉर्ड होंगे। इसके अंदर हमने नॉन कैश सारे के सारे इग्नोर कर दिए थे, इसके अंदर नॉन कैश आइटम भी सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन इसमें इग्नोर था लेकिन इसके अंदर अब रिकॉर्ड होगा। कैपिटल आइटम जो है, कैपिटल नेचर के आइटम जो होंगे मतलब जो फिक्स एसेट के नेचर के आइटम होंगे जिनको फिक्स एसेट में रिकॉर्ड किया जाता है या फिक्स एसेट की वैल्यू जिनकी वजह से बढ़ती है वो आइटम इसके अंदर इग्नोर होंगे। वो आइटम इसके अंदर से इग्नोर होकर वो चले जाते हैं हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर एसेट के कॉलम में। अच्छा, जब हम ये दोनों अकाउंट बना रहे होते हैं तो इसकी बेसिस क्या होती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हमारी बेसिस होती है रियल अकाउंटिंग, रियल अकाउंट्स इसको कहते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो बेसिस होती है वो हमारी होती है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होते हैं जिनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जिनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, मतलब नेक्स्ट ईयर उनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस होगा ही नहीं, सिर्फ ट्रांजेक्शन होगी। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है? वो कैपिटल फंड के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा ऑनर्स का जो अकाउंट होता है उसके अंदर कैपिटल फंड के अंदर उनका जो है क्लोजिंग बैलेंस जाता है। इस अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। कब तक? जब तक हमारा एनपीओ या जो भी बिजनेस चल रहा है वो ख़त्म नहीं होता तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा।